हेलो व्यूअर्स, आपका टॉय व्यू के इस चैनल में बहुत स्वागत है। मौसम आपको जैसे पता ही है कि बड़ा सुहाना सा लगा रहता है, कभी सर्दी गर्मी, मन करता है कि ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे रिवर्स वगैरह हो, फिशिंग वगैरह की जाए। तो बट आपको पता है कि जस्ट ये एक पेंडेमिक टाइम के पे हम कहीं नहीं जा सकते, तो ऐसे हिल स्टेशन पे मान लिए जाना या ऐसी जगह पे जहाँ पे रिवर वगैरह है, फिशिंग कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते। तो क्यों ना वो फिशिंग ही हम घर पे लेके आए और घर पे ही करें। तो मैं आपके सामने एक ऐसी गेम लेके आया हूँ जो कि फिशिंग गेम है, वो बहुत यूनिक फीचर्स के साथ है। तो वो गेम है कुछ ये है जी, फिशिंग गेम, जो कि एक प्रॉपर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, नॉट मेड इन इंडिया स्पेशली। तो ये प्रोडक्ट है, पैकिंग के बारे में देख रहा हूँ, पैकिंग बहुत क्लीन है। यहाँ पे फिशिंग के फीचर्स दे रखे हैं कि क्या आपको मिलेगा। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, फिश बनी हुई है, इसमें फोर स्टिक्स नजर आ रही हैं। गेम का नाम है गो गो फिशिंग, ठीक है। 26 फिशेस मिलेंगी, बाकी यहाँ पर भी कुछ डिजाइनिंग ही कर रखी है उन्होंने बॉक्स पे। बैक साइड पे उसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं, इसमें 3AA की बैटरी यूज होने वाली है, 1.5 वोल्ट की, और ऑन ऑफ स्विच है, फिश है, और फिश के बारे में समझाया हुआ है, और तो खास कुछ इतना है नहीं। तो ना किसी टाइम गवाए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके इंटरनल फीचर और एक्सटर्नल बॉडी डिज़ाइन कैसा है, और एंड में इसकी मार्किंग ज़रूर करेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो को एंड तक ये है जी टीम, ये है जी फिश। देखिए जी, ये एक टेबल है, ये टेबल निकला उसमें से, उसको साइड पर रख देते हैं। ये टेबल है जिसके अंदर यहाँ पे फिश डलेंगी, सबके अंदर यहाँ पर छोटी वाली फिश डलेंगी। ये कुछ इसका इंटरफेस, प्रोडक्ट क्वालिटी, जो इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है बहुत फाइन मटेरियल है। ये ऑन ऑफ का स्विच है, और अगर रिवर्स करेंगे यहाँ पर आई थिंक सो बैटरीज डलेंगी। ये बैटरीज डल चुकी है, और ये कुछ यहाँ ऐसे ऑन होगी। ये देखिए लुक आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब इसके अंदर फिश वगैरह डालते हैं और देखते हैं काम कैसे करेगा। तो व्यूवर्स, इसमें बैटरी डाल दी है, और इसमें हमने जो फिश निकली थी उसको हमने पैकेट से अलग कर लिया। ये उसकी फिशिंग स्टिक है। तो ये फिश को जल्दी से इसके अंदर डालते हैं मशीन के अंदर, और देखते हैं इसकी वर्किंग कैसी है। स्टिक्स को अलग कर लेते हैं, फिशें हमने इसमें डाल दी हैं। ये स्टिक को अलग कर लिया हमने, तो इसको ओपन करना पड़ेगा हमें। सारी ओपन करने का फायदा नहीं, इसको हम ऐसे ही लगा देंगे, और एक के साथ हम खेलेंगे जो कि ये, ठीक है, माय फेवरेट कलर ब्लू। तो चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं।
और देखते हैं इसकी वर्किंग कैसी है, लाइटिंग कैसी है। तो ये करते हैं स्विच ऑन। वाओ, अब ये स्टिक आ जाती है। अब ये स्टिक के साथ आपने इनको फिशों को पकड़ना है। ये अरे वो पकड़, और बच गया ये, पहले इनको पकड़ते हैं। चलिए ये एक कर ली, ओए चलो इनको भी पकड़े, बड़ी वाली को। चलो पहले छोटी को पकड़ते हैं, ये आ गई दूसरी। ये आ गई थी तीसरी। चलो छोटी मछलियों का तो कर लिया, अब आई बड़ी मछलियों की बारी। ओए बड़ी मछली को पकड़ना भाई सही में मुश्किल है। आजा भाई आजा आजा। आ गई आ गई आ गई आ गई, बड़ी भी आ गई। चलो ओ, ओ, ओ। आ, ओ, ये क्या बात हुई, दबा दो भाई। आ गई, ये देखिए ये मछली आ चुकी है जी पकड़ में। कौन खाना चाहेगा, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ भाई। अब छोटी पकड़ते हैं, ये आ गई छोटी। पकड़नी आसान है भाई मछली, छोटी पकड़नी आसान है, बड़ी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये आजा 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 आजा, वो नहीं आई। ये क्या बात हुई यार, ये तो चलाक है बड़ी वाली। आया आजा, ओए पकड़ ली भाई पकड़ ली। तो व्यूवर्स मेरे को खेल के तो बहुत मजा आया। तो अगर मैं इसकी क्वालिटी को चेक करूं, ये स्टिक बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबल और बहुत हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बनी हुई है, जिसमें 4 टाइप के स्टिक्स हैं अलग अलग कलर की। मैं आपको दिखा देता हूं, एक ग्रीन, रेड, पिंक और ब्लू कलर, 4 टाइप के स्टिक्स हैं। जिसको होल्ड करने के लिए यहाँ पर एक स्टैंड भी बनाया हुआ है जिसमें लगा सकते हैं। अगर हम ये बोर्ड की बात करें तो बहुत हाई क्वालिटी और फाइन मटेरियल का बना हुआ है। कोई भी डिफेक्ट या कोई भी, अगर हम सोचें कि मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट को दिखे, हमें तो कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। फिश की क्वालिटी चेक करें तो फिश की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। प्लास्टिक बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है इन्होंने, बहुत फाइन मटेरियल का है। इनका मुँह अपने आप खुल जाता है। बड़ी वाली फिश के अंदर इसके दांत बने हुए हैं, जिसके अंदर ये रस्सी जो है कुछ इस टाइप में जाती है, अंदर जाएगी एंड देन इस पे वो अटक जाएगी तो ये पकड़ी जाती है। और जो छोटी फिश है, छोटी फिश में क्या है, इसके अंदर यहाँ पे छोटी सी मैग्नेट लगी है। तो ये स्टिक के इस साइड पे भी कुछ मैग्नेट है, तो जिससे क्या होता है, ये मैग्नेट इस पे चिपकती है और ये जिसकी वजह से ये पकड़ में आ जाती है। प्लस इसकी जो गेम के अंदर जो लाइटिंग और साउंड यूज़ किया गया, बहुत अच्छा साउंड यूज़ किया गया। इस जगह पे एक एक्वेरियम टाइप में एक मूवी लगा रखी है इन्होंने, स्लाइड लगी हुई है, वो स्लाइड चलती रहती है कुछ इस टाइप से। ये देखिए ये यहाँ पर स्लाइड में फिश भी रोल घूम रही है, और प्लस ये भी नीचे से आती है, मुंह खोलती है एंड देन मुंह बंद कर लेती है, ऊपर वाली भी नीचे बन जाती है। तो अगर मैं इसकी क्वालिटी पे बात करूँ तो बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ऐसी क्वालिटी में प्रोडक्ट बहुत रेयर मिलते हैं हमें, और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे प्रोडक्ट का हम रिव्यू करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस प्रोडक्ट को जो नंबर मिलने चाहिए वो 9.5 मार्क्स मिलने चाहिए। हाफ मार्क जस्ट मैं ये काट रहा हूँ कि इसमें जो बैटरी यूजेज है वो 3 बैटरीज यूज होती हैं। इसको कंटिन्यूसली 1.5 से 2 घंटा चलाएंगे तो वो बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो बस हाफ नंबर मैं इसी पॉइंट पे काट रहा हूँ मैं इसका, कि इसमें 3 बैटरीज यूज हो रही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो चैनल एक बार ही सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ, और साथ में उसका बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए अगर नहीं दबाया हुआ। तो बाकी मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय।